बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण थ्योरम जो कि बेस्ड है थील्स थ्योरम पे ही, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय पे ही बेस्ड है। इसमें हम जैसे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय को हमने सिद्ध किया था, अब की बार हम उसका विलोम सिद्ध करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले इस थ्योरम को समझने के लिए आपको पहले आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले एक बार उसके बारे में बात करते हैं। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय क्या कहा गया था कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, इसमें बीसी के समांतर कोई रेखा खींची जाए, आप इसको रेखा की तरह दिखा सकते हो या फिर रेखागणित की तरह भी कर सकते हो आप। DE जो कि अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, D और EB। तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो कहने का मतलब है कि जो थेल्स थ्योरम है या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय है उसमें क्या है हमारे पास कि अगर DE समांतर है DC के तो AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। अब इसके विलोम की बात कर रहे हैं, तो इसका विलोम मतलब ये तो हमारी थेल्स थ्योरम होगी और थेल्स थ्योरम का विलोम क्या होगा, इसका रिवर्स, अगर अनुपात बराबर है तो समांतर हो। इसके स्टेटमेंट देखते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी सी थ्योरम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लो ये रेखा है डी, त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ए डी बटे में डी बी ए ई बटे में ई सी के बराबर है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि जो डी ही है वो तीसरी भुजा कौन सी है, बीसी, बीसी के समांतर होगी। तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको प्रूफ के लिए, सबसे पहले तो ये देखिए हमें दिया क्या हुआ है, तो दिया गया हमारे पास एक त्रिभुज, क्या एक त्रिभुज एबीसी जिसमें छेद करती है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। देखो जो उसने स्टेटमेंट में कहा था उसको हमने लिख दिया कि हमारे पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में को एक रेखा DE दो भुजाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि उनका अनुपात बराबर है, तो ये हमने लिख दिया। एक रेखा कौन सी DE, त्रिभुज किसी त्रिभुज कौन सी ली ABC की दो भुजाएं कौन सी ली AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें यह सिद्ध करना है, तो सीधा हमें क्या करना है कि तीसरी भुजा कौन सी है BC, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर है किसके BC के, तो ये हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान सी बात है। अब आप देखिए रचना, हम ये मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है ना। इसलिए
हमने क्या किया कि फिर डी ई तो समांतर नहीं है, तो हमने एक रेखा डी ई डैश बी सी के समांतर खींची। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो क्योंकि डी ई डैश समांतर है बीसी के, डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अब यहां पे क्योंकि डी ई डैश तो समांतर है तो थेल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है कि भुजाएं समान अनुपात में होगी, यानी कि इसलिए ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर है ई डैश बटे में ई डैश सी। ए डी बटे में डी बी ए ई डैश तो की समांतर ये है और ई डैश सी क्या यूज किया हमने? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय द्वारा हमने थेल्स प्रमेय यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि AD बटे में DB ये तो बराबर है किसके? AE बटे में EC के, ये रखा है दिया गया है। अब इसको अगर हम समीकरण एक मान ले और इसको समीकरण दो मान ले, अब आप देखो AD बटे में DB, AD बटे में DB ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। समीकरण एक और दो से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ई डैश बटे में ई डैश सी बराबर है ए ई बटे में ई सी। वो कह रहे कि ए ई डैश से ई डैश से सी पे जाए, ए ई डैश और ई डैश सी ये बराबर है किसके? ए ई और ई सी के। तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पे हो, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों बिंदु एक ही जगह पे होने चाहिए। इसके हिसाब से क्योंकि ये बराबर है इसलिए ई डैश और ई समपाती है, यानी कि ई डैश और ई जो बिंदु है वो एक ही जगह पे है। ई डैश और ई हमने ई डैश को अलग लेके चले थे कि ये समांतर है, लेकिन बाद में पाया कि ई डैश और ई तो एक ही जगह पे है, चाहे उसको ई कह ले चाहे उसको ई डैश कह ले। अब हमने क्या लिया था कि डी ई डैश बी सी के समांतर है, लेकिन ई डैश और ई तो एक ही बात है, तो इसका मतलब डी ई, इसलिए डी ई समानांतर है किसके? बी सी के। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। बिल्कुल आसान सी एक बात है, अगर इसको दोबारा से देखें तो सिर्फ एक से दो मिनट की थ्योरम है। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा कोई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब हमारे पास त्रिभुज दी हुई है, एक रेखाखंड है, रेखा एक डीई जो कि एबी और एसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एडी बटे में डीबी ए बटे ईसी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि जो डीई है वो समांतर है बीसी, तो हमने क्या ले लिया कि ये समांतर नहीं है तो समांतर दूसरी खींच ली हमने। अब देखो क्योंकि ये समांतर है तो फिर थ्योरम स्वरूप पे वापस आ गए, क्योंकि ये समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी कि ए डी बटे में डी बी और ए ई डैश बटे में ई डैश ई ई डैश सी ये हमने लिख दिया। लेकिन जो दे रखा है उसमें ए डी बटे में डी बी किसके बराबर है? ए ई बटे में ई सी के। इन दोनों के हिसाब से यानी कि दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों
दोनों आपस में बराबर है, ए ई डैश, ई डैश सी और ए ई ई सी, तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह पे होंगे तो इसका मतलब ये जो डी ही है, मतलब ई डैश और ई एक ही बात है। तो यहां मैं अगर लिख ई लिख दूं तो डी ई समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के, और यही हमने सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो इन दोनों थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के कन्वर्स पे बेस्ड हैं। तो इनके जो रिजल्ट है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। थैंक यू वेरी मच।